हेलो व्हाट्सअप गाइस एंड वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। अभी फिलहाल टाइम हो रहे 8:30 और आज की डेट है 11 जून 2022। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, कुछ दिन पहले आपके भाई ने एक लॉजिटिक का माउस लिया था, लॉजिटिक का G402। मैंने जो वो माउस है वो क्रोमा वेबसाइट से मंगाया था सिर्फ और सिर्फ 1300 रुपए का, और लगभग लॉजिटिक के माउस या जो भी प्रोडक्ट रहते हैं उसमें अच्छी खासे वारंटी रहते हैं, तो इसमें भी 2 साल की वारंटी है। अब देखिए, ये सब मैं आप सभी लोगों को इस वजह से बता रहा हूँ, तो तुम्हारे भाई का जो ये माउस है उसे यूज करते हुए अप्रोक्सीमेटली मुझे 2 से 3 महीने हो चुके हैं। बट आज सडनली ऐसा हुआ कि मेरा माउस एकदम ऑटोमेटिकली काम करना बंद, मतलब गेम चल रहा था, सब कुछ सही चल रहा था, बस 1 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली अपने से काम करना बंद। उसका जो भी ट्रबल शूट वगैरह था सब कुछ मैंने कर लिया, बट स्टिल माउस काम नहीं कर रहा। फाइनली तुम्हारे भाई ने कस्टमर केयर से बात करी, तो उन्होंने बोला भोपाल में एक सर्विस सेंटर है, आप वहां विजिट कर सकते हो, तो वहां आपका माउस को रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो अभी हम लोग जाएंगे फिलहाल सर्विस सेंटर, एमपी नगर में है, तो होप सो वहां माउस रिप्लेसमेंट हो जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने बोला अगर स्टॉक में अवेलेबल नहीं होगा तो आपको 5 से 7 दिन का वेट करना होगा, और मुझे वेट करना नहीं है क्योंकि मुझे कुछ दिन के बाद घर निकलना। वो माउस लॉजिटेक का G402 बॉक्स मेरे पास है नहीं, बॉक्स घर में, इसको जेब के अंदर डालते और निकलते जल्दी से। अभी फिलहाल टाइम हो रहे 9 बजे और तुम्हारा भाई आ चुका बस स्टेशन। अभी यहाँ पर से लेके जो डायरेक्ट सर्विस सेंटर है वो अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 किलोमीटर है। सीन है अभी 9 बजे और जो टाइमिंग है वो 9:30 का ऑफिशियल, जो उन्होंने ईमेल आईडी पे भेजा था, और आज सैटरडे है तो मतलब हाफ डे रहेगा, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ अगर मॉर्निंग टाइम में अपना काम हो जाएगा तो इवनिंग टाइम में जो भी अपना मतलब मैंने कुछ सोच कर रखा है प्लान करके कुछ काम में उसको निपटाना है, तो अगर अभी काम हो जाएगा तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो फिर बहुत ज्यादा टेंशन होगा। बस होप करते हैं रिप्लेसमेंट अगर आज नहीं मिले तो 2-4 दिन के बाद वो रिप्लेस करके दे दे, ज्यादा टाइम लगेगा तो फिर मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि घर भी निकलना आपके भाई को। तो बॉयज अभी हम लोग पहुंच चुके हैं और ये रहा सर्विस सेंटर, 9:30 बजे का टाइम, तो हम सोचे जल्दी आ जाएंगे काम हो जाएगा, लेकिन अभी बोल रहा 10:15 में खुलेगा, आधे घंटे तुम्हारे भाई को वेट करना होगा, चलते कुछ नाश्ता वगैरह कर लेंगे, अब माउस का काम हो जाए बस। लोग ये देख रहे हो, ये है डीबी सिटी मॉल, उसके सामने मतलब बगल में एक गली है, ये वाला गली आप लोग देखो, और ये देखो ऊपर लिखा हुआ है सीमित करके, और आगे में जो है यही है लॉजिटिक का सर्विस सेंटर। इसमें बहुत सारे लैपटॉप और बहुत सारी एसेसरी रेसर ये सब सभी का सर्विस ऑथराइज सर्विस सेंटर। अभी 10 बज चुके अभी तक सर्विस सेंटर ओपन नहीं हुआ, 9:30 बजे का टाइम था बट आधा घंटा अभी तक लेगा, आप 15 मिनट वेट करते अगर नहीं खुला फिर घर चले जाएंगे, कोई मतलब है नहीं। यही है सर्विस सेंटर, यही देख सकते हैं, यही है लॉजिटिक का सर्विस सेंटर। बात करते पता करते यहाँ का क्या सीन है। बात यह बॉयज प्रोडक्ट सबमिट हो चुका है, उन्होंने मुझे एक रिसिप्ट दिया, बोला 10 दिन के अंदर यही आ जाएगा प्रोडक्ट, मुझे यहाँ से ही लेके आना होगा। अगर कोरियर का फैसिलिटीज रहता, जैसे इंदौर में कोरियर फैसिलिटीज है, वहाँ अगर प्रोडक्ट आप पहुँचाते तो वो आपके घर पर भी प्रोडक्ट जा सकता है, लेकिन मुझे प्रोडक्ट लेने के लिए यहाँ आना हुआ। तो भोपाल के अगर सर्विस सेंटर में अगर आप सोच रहे हो तो प्रोडक्ट आपको यहीं से लेना होगा, घर पे होम डिलीवरी नहीं होगा। सो दिस इज नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे नहीं है, काफी ज्यादा टाइम के बाद ये वीडियो बन रहा है। मैंने जो माउस सबमिट करा था गाइस वो करा था 11 तारीख को, और आज की डेट है 21 तारीख को, और जो एक्सपेक्टेशन और जितना क्यूरियोसिटी बदन के अंदर था, क्योंकि रैंक पुश चल रहा था और लास्ट सीजन का एक्ट था तो मुझे रैंक पुश करना था, तो माउस के लिए मैंने हर दूसरे दिन फोन करके पूछा, मतलब 10 दिन लगे और फाइनली अभी मैसेज आया। सुबह से आपका भाई परेशान था कि माउस आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि कल है आपके भाई का ट्रेन घर का, तो मैं चाहता हूँ मेरे घर जाने से पहले मुझे माउस मिल जाना चाहिए ताकि मैं घर पे अच्छे से ग्राइंड कर पाऊँ। भाई कसम से बता रहे, जैसे मैसेज आया वैसे वीडियो बन रहा है, 10 दिन लग गए, 10 से 11 दिन, अभी फटाक से जाएंगे माउस क्लिक करेंगे और आगे का प्रोसीजर बताएंगे। और आज का दिन काफी कुछ तुम्हारे भाई की जिंदगी में घटा है। अब देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन वाली बात कर ली जाए, मैंने जो वो प्रोडक्ट कर रहा था तो उसके साथ मोबाइल नंबर आपसे पूछे जाते हैं, तो उसी मोबाइल नंबर पे जैसे ही प्रोडक्ट आया ऑटोमेटिकली एक मैसेज आ गया। तो वैसे भी तुम्हारा भाई हमेशा फोन करके कसम से भाई उन लोगों को परेशान कर रहा था, क्योंकि मुझे माउस इमीडिएटली चाहिए था लेकिन जल्दी नहीं मिला, बट कोई नहीं, अंत बोला तो सब बोला, क्योंकि अगर घर जाने से पहले नहीं मिलता तो फिर इशू होता। और दूसरी एक बात ये है कि तुम्हारे भाई ने एक वीडियो डाला था मॉर्निंग के टाइम पे, मॉर्निंग के 4 बजे तुम्हारा भाई मतलब जागा हुआ था, तो एक टॉपिक मिला, उस टॉपिक में वीडियो बनाया, उसको अपलोड करा और उस पे व्यूज के भंडार आ चुके हैं। सीमित सर्विस सेंटर, आप लोग जो देख रहे हैं ये है सीमित सर्विस सेंटर, सारे लैपटॉप का, फाइनली वी गॉट द माउस, और ये रहा डीबी सिटी मॉल, उसके सामने वाले जो गली है वही है ये गली। लोकेशन बता रहा हूं, ये रहा डीबी सिटी मॉल और ये रहा बस स्टेशन, और इसके सामने से जो गली है इसी गली में वो। एंड फाइनली वी गॉट द न्यू माउस लॉजिटेक ब्रांड न्यू, बॉक्स नहीं मिला सिर्फ और सिर्फ माउस मिला, बॉक्स उन्होंने ले लिया जो हम लोग का पुराना वाला जो मतलब यूनिट था उसमें वो लोग करके उसको रिटर्न कर देंगे, और ये नया वाला सिर्फ और सिर्फ माउस दिया गया। माउस तो रिपेयर हो गया, अभी अपने भैया जी के पास आए निजामुद्दीन के शान बान आना जरूर से भैया जी के पास, आप लोग लोकेशन ये पता ही हो ना, जो निजामुद्दीन का टी पॉइंट है उसके सामने भी भैया जी। अब फटाक से सोडा पीते फिर चलते हैं। अभी आपका भाई आ चुका फाइनली रूम पर, और सबसे पहले हम लोग माउस के बारे में बात कर लेते हैं। माउस पैकेजिंग जैसा नहीं हुआ था वैसा ही आता, बट वो आप लोगों को पैकेट नहीं देंगे क्योंकि मैंने उनको पैकेट नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ अपना माउस ही दिया था, तो उन्होंने मुझे सिर्फ और सिर्फ माउस दिया, और जो पैकेट था उसमें पुराना माउस पैक करके वो शायद भेजेंगे कंपनी को। अब देखिए ये जो स्पेशल मैं बात बोल रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ भोपाल के लोगों के लिए, अगर आपका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक का
सामान है लेनोवो MSI, मैंने उसमें जो भी वीडियोस डाले थे, फोटो डाले थे, लगभग जितने भी सर्विस सेंटर है वो सारे सीमित सर्विस सेंटर पे होते हैं। एसएल आईटी सर्विस सेंटर करके उनका नाम है इस टाइप का। तो बेसिकली भोपाल में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी सामान प्रॉब्लम होता है आपको वहीं सर्विस सेंटर जाना होगा, जो कि मैंने आप लोगों को लोकेशन बता दी। अब चलते फटाक से माउस को चेक करते हैं कि माउस ये वाला भी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये रहा अपना माउस, ये लगाएगा अपन लैपटॉप के अंदर। लेट्स गो, अरे बाबा रे बाबा, फाइनली लेट्स गो। तो गाइस अगर आपको यहाँ तक वीडियो कहीं से भी अच्छी लगती है, वीडियो लाइक कर दिया, चैनल पे अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले पीस।